हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो सभी लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। आज के ज़माने में स्मार्टफोन लोगों की आदत बन गई है। आज हर कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहता है, चाहे वो स्कूल जाने वाला स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट हो, जॉब करने वाला व्यक्ति हो या फिर जॉब पर नहीं जाने वाला व्यक्ति हो, तो सभी लोग फ़ोन लेना चाहते ही है। मगर सभी लोगों को एक ही प्रॉब्लम आती है, मनी प्रॉब्लम। उनके पास सारे पैसे इकट्ठा नहीं होते। कुछ कारणों की वजह से उनके पेमेंट में से कई पैसे घर पे चले जाते हैं, थोड़े पैसे इधर उधर जाते हैं और थोड़े से पैसे उनके हाथ में बच जाते हैं। तो उत्तू से पैसे में तो फ़ोन नहीं आएगा, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है EMI का। हम थोड़े थोड़े पैसे हर महीना पे करके हमारा EMI कंप्लीट करके फ़ोन खरीद सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि हम EMI पर कोई भी फ़ोन कैसे बाय कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे हर एक न्यू इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अभी EMI पर फ़ोन खरीदने के लिए आपको क्या करना है, ज़रा ध्यान से सुनिए। आपको आपके एरिया के जो भी स्मार्टफोन का दुकान है उस दुकान के अंदर जाना है, और वहाँ पर जाकर आपको शॉपकीपर को बोलना है कि मुझे EMI पर फ़ोन खरीदना है। तो शॉपकीपर आपको पूछेगा कि आपको कौन सा फ़ोन खरीदना है। अगर आपके मन में ऑलरेडी कोई फ़ोन आपने पसंद किया हुआ है तो आप उसके बारे में उनको बता सकते हो, या फिर उन्हीं के शॉप में से आप कोई तो ऐसा फ़ोन सिलेक्ट कीजिए जो अच्छा खासा रैम वाला हो, जिसके अंदर अच्छे फीचर्स हो और वो आपके बजट में भी हो। फ़ोन सिलेक्ट करने के बाद आपको उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसल चेक और आपकी बैंक डिटेल, और मेन होना चाहिए आपके पास आपका ATM कार्ड। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो वहां से आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद आपको 30% पैसे जो है वो फर्स्ट मंथ में पे करने होते हैं। मतलब आपने आज फोन बाय किया तो आपको एटलीस्ट 30% पैसे उनको देने होते हैं। 30% यानी कितना? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 15,000 रुपये का फ़ोन बाय कर रहे हो तो उसके ऊपर 30% होता है 4,500। तो फर्स्ट टाइम आपको 4,500 रुपये देकर आपका जो फ़ोन है 15,000 रुपये का, उसको आप हाथ में ले सकते हो और यूज़ करना शुरू कर सकते हो। उसके बाद आपको हर महीना 1,500 या फिर 2,000 रुपये पर मंथ पे करने होते हैं 6 मंथ्स के लिए, ताकि आपका जो 15,000 रुपये का लोन है वो क्लियर हो जाए, और आपका EMI हर महीना टाइम पर पे कीजिए। तो इस तरह से आप EMI पर फोन खरीद सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।